अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अगले व्लॉग में। और आज व्यूअर मैं शाह कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट पे, बालाकोट से थोड़ा सा पहले एक जाबिया सिटी है उसमें आता है, रोड के किनारे बहुत ही खूबसूरत होटल है, उसमें मैंने स्टे की थी। तो वीडियो के लिए मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस मैंने कहा आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूँ तो आप लोगों को एक्सपीरियंस रहेगा। और होटल भी बड़ा प्यारा था, साफ़ सुथरा था, और रात का खाना भी उसका बहुत ही अच्छा था। खाने की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो वाली व्लॉगिंग नहीं होती मुझसे, खाते खाते व्यूअर्स खा रहा हूँ मैं। और तो खाना भी रात का बहुत ही मज़े का था। दूसरी बात, रात भी बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत एरिया भी है, सही ठंडा मौसम है यहाँ पर, और नाश्ता भी सुबह का बहुत ही अच्छा लगा। तो इसलिए दिल किया कि चलो आप लोगों के मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं। इस रूम में मैंने स्टे किया हुआ था, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे बेड। अच्छी बात इसकी ये है कि जिस तरह दूसरे एरियों में बंदा रुकता है तो थोड़ा गंद कचरा होता है, टूरिस्ट, आप लोगों को पता है हमारे पाकिस्तानी टूरिस्ट, तो बहुत ही खूबसूरत इनका क्लीन साफ़ सुथरा सारी चीज़ें, व्यू भी जो है बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यू है। खिड़की ना तोड़ दूँ इनकी, ये मेरे रूम के विंडो से बाहर का व्यू, बहुत ही मज़े का एरिया है। रेस्टोरेंट का नाम है शाह कॉन्टिनेंटल और ये भाई भी यहाँ आए हुए हैं। मिलते हैं इस भाई से, पूछते हैं मज़ीद होटल के बारे में आप लोगों को, ये भाई बताते हैं। तो जी ब्रदर जी, अस्सलामुअलैकुम जी भाई जान, आपको कैसा होटल लगा हमारा? आप लोगों का होटल ब्रदर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे अपने दिल से बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का रेस्टोरेंट, यहाँ पे स्टे करना, यहाँ का खाना पीना, सुबह का नाश्ता। हमारी सर्विस अच्छी है, हमारे वेटर अच्छे हैं, हमारा होटल जो है माशाल्लाह स्टैंडेबल है, साफ़ सुथरा है। ये जो मेन रोड बालाकोट सिटी मेन रोड आ रहा है, जाबिया जगह का नाम है, इस जगह पर है, तो माशाल्लाह हमारे रूम भी अच्छे हैं, हमारा स्टाफ अच्छे है। आपको खाना पीना कैसा लगे? बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का स्टाफ, आप लोगों का मैनेज करना, एक अच्छा अखलाक, सब बहुत ही बेहतर लगा, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों की एक वीडियो बना दूँ। नहीं नहीं, ज़रूर। और आने वाले जो दोस्त हमारे आए घूमने फिरने के लिए, तो उन लोगों को भी एक आइडिया हो और एक पता हो कि आए यहाँ पर स्टे करें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर भाई, इंशाल्लाह। ये लोकेशन थोड़ी क्लियर कर दो। ये लोकेशन बहुत हमारी जो है, ये मेन रोड जो सिटी बालाकोट रोड है ना, ये जाबिया जगह का नाम है, उस पर आ रहे हैं। अच्छा जी, और दिखाते हैं आप आ जाओ, आपको जो मैं रह रहा था वो रूम भी मैं दिखाया, आगे और रूम भी दिखाते हैं। ये है इनका नेक्स्ट रूम, ये है बाहर में, और इसमें डबल बेड एक सिंगल बेड लगा हुआ है। रात को फैमिली स्टे करके गई है, अभी सुबह सुबह इसकी क्लीनिंग चालू है, तो एकदम फ्रेश माहौल और ख़ूबसूरत लोकेशन पे है। ये साथ में सिटिंग एरिया बाहर में, डोर के अंदर सिटिंग एरिया और बेड दोनों हैं। ये है इसकी लोकेशन, ठीक है। ये इसका साइन बोर्ड है, शाह कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है। लोकेशन यहाँ की बहुत ही बड़ी प्यारी है। एक रूम में आप लोगों को और भी दिखा दूँ थोड़ा आपकी तसल्ली के लिए। ये है इनका नेक्स्ट रूम, इसमें भी सेम बाहर सिटिंग एरिया है और ये अंदर लिविंग रूम है। तो इसमें सिंगल बेड वाले भी हैं, जिसको सिंगल बेड चाहिए तो वो भी अलग सेपरेट से रूम है। ये फैमिली के लिए डबल बेड और साथ बच्चों के लिए सिंगल बेड। बालकोनी व्यू, वॉशरूम वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा माहौल है। यहाँ से भी आपको व्यू करवाता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। माशाल्लाह, इर्द गिर्द सारे घने जंगल हैं। तो व्यूअर्स देख लिया आप लोगों ने, Thank you।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और लोकेशन सारा कुछ आप लोगों को बता दिया मैंने। दूसरी बात यह है कि रेंट भी यहाँ का आगे से मुनासिब है, क्योंकि आगे आप लोग जाते हो तो वहाँ पर रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नारायण कागान से पहले ही रुक गया हूँ इस एरिया में। यहाँ से पास ही है कि चलो रात का टाइम था, सुबह का व्यू भी देख लेंगे और यहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो माहौल यहाँ का साफ़ सुथरा था, रेंट भी यहाँ का बहुत ही मुनासिब है। रेंट में जो रूम लिया हूँ 3,500 का एक रूम है, ठीक है, तो 3,000 तक भी दे देते हैं, लेकिन साफ़ सुथरे रूम हैं इनकी, ये क्वालिटी अच्छी है। दूसरे डबल बेड वाले रूम भी है इनके पास, सिंगल रूम वाले भी हैं, तो प्राइस भी इन लोगों की 3-4 हज़ार के बीच में ही है, तो अच्छी प्राइस पे और अच्छे रूम दे रहे हैं और सर्विस भी इन लोगों की बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।